तो जी हाँ दोस्तों, कल हमने जो बात की थी वो यूट्यूब के सेटअप के बारे में बात की थी, और हम ये जाने थे कल के हम यूट्यूब के अंदर वीडियो किस तरह से डालेंगे, उसके सेटअप किस तरह से करेंगे, और चैनल आर्ट इस तरह से लोगो वगैरह का इसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में कल हमने मालूम की थी। बट आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूब में अगर हम मार्केटिंग करें तो उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म है जो हमें अपनाना पड़ता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम YouTube के अंदर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के बारे में कोर्स बाय करना चाहते हैं, जो कोर्स हमने करने में लॉन्च की है, तो वो कोर्स भी आप ले सकते हैं YouTube के बारे में। मार्केटिंग के बारे में पूरा A to Z हमने इसमें कोर्स में बताया है कि किस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे नहीं करेंगे, और ये इंग्लिश में कोर्स है, ये हमारे टीम में से बंदे ने किया है। यहाँ पे आपको A to Z आपको पूरा गाइड मिलेगा, लेकिन आज हम उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि YouTube में मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके हम YouTube में अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हैं, और मार्केटिंग करके अपने चैनल को लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और उस पर फिर जाके गूगल एडसेंस कनेक्ट करके उससे हज़ारों कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, मंथली इनकम कर सकते हैं। इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, कुछ चैनल हैं जो जिन्होंने मार्केटिंग करके आज अच्छा खासा ग्रोथ किया है। तो सबसे पहले मैं चैनल के तरफ चलता हूं और देखता हूं कि उस चैनल ने कितना ग्रोथ किया है नहीं किया, हाँ इसके बारे में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे एक चैनल है अभी के देहात में रहने वाले वो बंदा है, और वो काम जो भी हो जैसा भी हो करता है, मोबाइल ही से करता है सारी चीज़ें, एडिटिंग एडिटिंग और क्या नाम है, पोस्ट वोस्ट डालना और सारी चीज़ें A to Z चीज़ें उन्होंने वो मोबाइल ही से करता है। यहाँ मेवात हरियाणा का चैनल है, इस चैनल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो गांव देहात में चीज़ें होती हैं। तो घर कहने का मतलब कि आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी नीच ले लीजिए, किसी भी नीच पे ले लीजिए काम, काम हो सकता है, किसी भी नीच पे काम हो सकता है और अच्छे लेवल पे काम हो सकता है, लेकिन आपके पास एक पैशन ये होना चाहिए कि आप उस पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना रेगुलरिटी काम कर रहे हैं, कितना आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, का ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मायने रखता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप YouTube में का करियर बनाना चाहते हैं, या YouTube को आप अपने करियर के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको क्या पेशन बहुत ज़रूरी है और उस पर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो ये चैनल है, अभी फ़िलहाल इसकी जो मार्केटिंग स्टार्ट की थी हमने, और इसके मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद अभी ये पर डे के अभी ये 1000 के आसपास पर डे सब्सक्राइबर इसमें आ रहे हैं, और व्यूज़ की अगर बात करें तो व्यूज़ इसमें लगभग जो है पर डे इसकी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास इसका व्यूज़ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ देखना हो तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सारे सेटअप हैं, इसमें हमें सब कुछ दिखा देगा कि इसके व्यूज़ कितने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सब कुछ दिखाएगा। आप अगर इसका रिकॉर्ड के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप सोशल ब्लेड यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, इसका अगर रिकॉर्ड देखना हो आपको, आज के डेट में कितना व्यूज़ हुआ नहीं हुआ, कितना इसकी अर्निंग आई नहीं आई, ये चीज़ अगर आपको जानना हो तो आप मैं सिंपली इसका ये कॉपी कीजिए, यूट्यूब चैनल का कॉपी कीजिए, और कॉपी करके यहाँ पे आप सोशल ब्लेड नाम से वेबसाइट है उसको आप सर्च कीजिए। ठीक, आप एक्सटेंशन ये यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैं इसमें यूज़ करके रखा हूँ गूगल पे, इस वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें एक टोटल जो है इसकी जो टोटल का व्यूज़ है वो व्यूज़ दिखा रहा है, 39.8 मिलियन व्यूज़ है, और लास्ट 30 डेज़ का जो कि व्यूज़ है इसमें जो है 2.27 मिलियन व्यूज़ है। अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो लास्ट 30 डेज़ में 33 वीडियोज़ डले हैं। ठीक है, ये टोटल वीडियो जो डले हुआ है अभी फ़िलहाल वो डले हुए हैं अभी इस पे 1,880 के आसपास वीडियो डले हुए हैं। ठीक है,
अब हम उस चैनल के बारे में अगर हमें पूरा ए टू जेड जानना हो, कच्चा चिट्टा पूरा जानना हो, तो आप सोशल ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, देखेंगे, तो उसमें अंदाज़ा ये हो जाएगा कि उस चैनल के क्या ग्रोथ है, नहीं है, उस चैनल में कितने नए लोग आते हैं और नए लोगों की क्या वो होती है, मेंटेलिटी होती है। इस चैनल का मैं आपको आपसे मैंने कहा कि मैं इस चैनल को सर मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें मार्केटिंग जो करेंगे तो किस तरह से होता है, नहीं होता है। अभी मार्केटिंग मैंने इसके एक महीने पहले मैंने करने की स्टार्ट की थी। आप अगर देखेंगे इसके व्यूज़ देखेंगे तो पर डे के व्यूज़ जो हैं वो 2 लाख, 1.5 लाख, ये 2 2 2 0 के, इट मीन्स के 2 लाख के आसपास के व्यूज़ हैं। अगर आज की डेट की व्यूज़ करने की बात करें, आज 18 तारीख है, तो आज ऑलरेडी अभी तक 1,14,000 के आसपास व्यूज़ हो चुका है, ठीक है। और ये इसका मैं करेंटली स्क्रीन पे दिख रहा है क्या सर? नहीं आपको नहीं दिख रहा है, नहीं सर, जो आप कह रहे हैं वो नहीं दिख रहा सर, वो खुला ही नहीं दिख रहा बहुत देर से, तो स्क्रीन मैं देख रहा हूँ, देख स्क्रीन तो शेयर है, आपको नहीं दिख रहा। नहीं कह रहा सर, सोशल ब्लेड जो आपने सर, अच्छा खैर, इसमें को जो मैं बता रहा था ये कि मेवात आज तक के जो चैनल है इसमें कितने का व्यूज़ हो रहे, नहीं हो रहे, इसकी मार्केटिंग किस तरह से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये अगर आपको सोशल ब्लेड में देखना हो तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। इसका पूरा का ट्रैफिक अगर देखना हो आपको पर डे का, तो वो देख सकते हैं। अगर आप अपने एक्सटेंशन डाल रखते हैं तो उस चैनल के इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, डे बाई डे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर रही बात इसके अंदर के जाकर देखें अंदर में इसका क्या है नहीं है, वो चीज़ अगर आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका लॉगिन करके दिखाऊंगा। जैसे ये आज ये 17 तारीख का, 17 तारीख को आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो सॉरी 14 तारीख को, जो 14 तारीख इसका वन प्लस की जो है इसके सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर आए हैं और इसमें इतना इजाफा हुआ है, तो इसमें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका इस चैनल में जुड़ता है। पहले हज़ार हज़ार के आसपास पर डे आ रहा है ट्रैफिक, सॉरी नए लोग सब्सक्राइबर जो हैं, नए लोग हर डे जुड़ रहा है। इसकी अर्निंग की अगर बात कर लें तो इसमें अर्निंग जो ये दिखा रहा है कि पर डे की अर्निंग जो है 20 20 डॉलर से लेकर 380 डॉलर तक की है। ये एक लिमिटेशन का इस्टीमेट अर्निंग दिखाता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अर्निंग जो भी है इसका एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये अर्निंग यूट्यूब में किस तरह से होता है, यूट्यूब में अर्निंग सिर्फ और सिर्फ ऐड के शुरू होता है, ठीक। जो आप ऐड यूज़ करते हैं गूगल एडसन के ऐड से यूज जो अर्निंग होता है बस वही होता है। इसके अलावा कि इसमें जो अर्निंग के जो प्लेटफॉर्म है वो कई तरीका और हैं कि ज्वाइन का ऑप्शन डाला जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्वाइन का ऑप्शन डाला गया है, मेंबरशिप का डाला गया, तो यहाँ पे मेंबरशिप की चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो कुछ का आप स्पॉन्सरशिप लें, किसी का ऐड वगैरह लें, तो ऐड ले कर भी आप कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग ऐड से हो जाती है, ठीक। लेकिन ये जितना अर्निंग आप यूट्यूब के चैनल से नहीं कर सकते उससे ज़्यादा अर्निंग आप ऐड से कर सकते हैं, या फिर क्या ना स्पॉन्सरशिप ले कर सकते हैं, मेम्बरशिप ले कर सकते हैं, मेम्बरशिप यहाँ पर ज्वाइन करके कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें और हैं। चलिए इसका अंदर मैं को ओपन करके देखता हूँ जिसके जो मार्केटिंग की गई थी तो मार्केटिंग में क्या बेनिफिट आया नहीं आया, किस तरह के इसमें बेनिफिट हुए या नहीं हुए, इनके बारे में अगर हमको देखना हो तो मैं चैनल के अंदर के रिव्यू करता हूँ और देखता हूँ। अब ये चैनल ओपन हो चुका है ऑलरेडी, अब हम यहाँ से ए टू जेड चीज़ें देख सकते हैं जो किस तरीके से ये काम करता है नहीं करता। जैसे आज की बात कर लेती है, करंट सब्सक्राइबर है कि 8 लाख सॉरी 3,08,335 सब्सक्राइबर इसके ऑलरेडी हैं कि इन्होंने यूट्यूब की मार्केटिंग की थी, और लास्ट जो है 28 दिनों में अभी फ़िलहाल 14,733 नए सब्सक्राइबर इसमें जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसके और कि इसमें इसकी एनालिटिक्स के बारे में बात कर लें, इसके विजिटर के बारे में बात कर लें, तो विजिटर भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा विजिटर है इसमें पर डे वो 2 से 3 वीडियो अपलोड करता है मोस्टली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग पहले नहीं हो रही थी, इसकी मार्केटिंग जब स्टार्ट हुई है, मार्केटिंग स्टार्ट होने के बाद का व्यूज़ है बहुत अच्छा खासा जा रहा है। अगर आप इसके बारे में देखना हो कि 1.5 महीने 2 महीने पहले इसका व्यूज़ क्या आ रहा था, तो आप इसका सोशल ब्लेड में जाके
अच्छा सोशल ब्लेड में कि आप यहीं पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं, सोशल ब्लेड में भी देख सकते हैं। ये लास्ट जो 30 डेज़ का है, अगर आपको 3 महीने पहले के देखना हो तो लास्ट 90 डेज़ पे कीजिए। लास्ट 90 डेज़ पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें सब पता चल जाएगा जो 3 महीने पहले क्या इनके व्यूज़ था। देख रहे हैं 20,000 30,000 के आसपास इनके व्यूज़ था, बट यहाँ पे 28 जनवरी के बाद ये व्यूज़ बढ़ना शुरू हो चुका है। और व्यूज़ जो हैं देखें 40 50 60 70 80 इस तरह से आ रहे हैं। ठीक, व्यूज़ जो हैं दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा था क्योंकि इसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो मार्केटिंग कैसे करी जाती है, किस तरह होता है, नहीं होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करें तो यूट्यूब में मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं और नए नए व्यूज़ ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। जैसे 17 तारीख की बात करें, 17 तारीख में यहाँ पे 1,07,276 व्यूज़ इसके इस चैनल के आए हुए हैं। तो यही चीज़ अगर आप यूट्यूब में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें मार्केटिंग किस तरह करेंगे नहीं करेंगे, इसके लिए मैं कोर्स का जो हमने आपको बताया कि हमने कोर्स लॉन्च की है। आप ये द लर्न टुडे के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में कोई कोर्स है। इस कोर्स में आपको एक हर चीज़ बताने की कोशिश की गई है। ये कोर्स इंग्लिश में है। यहाँ पे दिखा, कल हमने के जो किया था, कल हमने ये देखा था कि यूट्यूब के अंदर क्या किस तरह उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके ओवरव्यू क्या क्या चीज़ें हैं, यूट्यूब में क्या कंपिटेटर को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। कंपिटेटर के एनालाइज किस तरह से किया जाता है, नहीं किया जाता है, यूट्यूब के कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं, कल के वीडियो में ये आ चुका था, यूट्यूब के सेटअप किस तरह से करते हैं, ऑप्टिमाइज किस तरह से करते हैं, बैनर किस तरह से लगाते हैं यूट्यूब के अंदर, जो बैनर होता है यानी चैनल आर्ट जिसको हम कहते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट, ये भी कल हो चुका था। अब यूट्यूब का चैनल टैग किस तरह से डाला जाता है, ये भी कल मैंने वीडियो डाल के मैंने अपलोड करके मैंने आपको दिखाया था। अब बात आ गई यूट्यूब SEO की, तो यूट्यूब SEO हमने कई टैग वीडियो डालते टाइम मैंने 50% आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी। आज हम 50% कवर करने वाले हैं कि यूट्यूब में SEO या मार्केटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे। आज मैं लाइव दिखाऊंगा आपको और एक वीडियो डाल के दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कितना ज़्यादा कर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं ये, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कस्टम थंबनेल किस तरह से बनाएंगे ये भी मैंने आपको बताया था। यूट्यूब या फेसबुक से, सॉरी फोटोशॉप से कस्टम थंबनेल बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे वेबसाइट हैं वहाँ से आप बना सकते हैं। कस्टम थंबनेल इनेबल कैसे करेंगे वो भी चीज़ मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, कस्टम थंबनेल किस तरह से इनेबल किया जाता है, नहीं किया जाता है। यहाँ पे सेटिंग में जाकर वो सारी चीज़ें होती हैं, वो कल मैंने A to Z आपको चीज़ें सारी बता दी। कल की वीडियो अगर आपको नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल क्या क्या चीज़ है, थंबनेल आपका जो यूट्यूब में ये जो दिखता है इसी को हम थंबनेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब कार्ड, ये यूट्यूब कार्ड के बारे में कल बताया नहीं गया था इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी नहीं थी, उसमें एक वीडियो जो है 2 से 3 मिनट के बारे में था, 2 से 3 सेकंड ही था सिर्फ, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से 25 सेकंड तक जो इसमें यूट्यूब कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, यूट्यूब एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो यूट्यूब मार्केटिंग का जो कल हमने जो लास्ट टाइम जो हमने किया था, यूट्यूब कमेंट्स का वगैरह के आप रिप्लाई करें, जो भी कमेंट्स आता है उस पर उसके रिप्लाई वगैरह करें, उसमें उसको जितनी जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन आप पे करने को सॉल्यूशन दें। जैसे कि अभी मैं लास्ट टाइम जैसे हमने जो लास्ट टाइम किया था oxy.com के नाम से एक वेबसाइट थी, यूट्यूब चैनल था oxy के नाम से, जो नया चैनल मैंने क्रिएट किया था और आपको दिखाया था। बट आज मैंने कहा आपके इसका जो मार्केटिंग जो करके जो वो होता है मेवाद, आज तक का मैंने वो दिखाया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, जो नया चैनल है उस चैनल पर यूट्यूब में वीडियोज़ किस तरह से डाले जाते हैं, उसमें क्या एंड स्क्रीन इट मीन्स जब आप लास्ट टाइम देखते होंगे कोई वीडियोज़ आप व्यू करते होंगे, तो व्यू करने के बाद जैसे आप ये ऐड आ रहा है, ऐड जो है गूगल एडसन का होता है, तो इस ऐड का पैसे मिलते हैं जब इस पर कोई क्लिक करता है तब। ठीक है, यहाँ पे आप बात कर लें लास्ट में एंड स्क्रीन जो होता है, ये भी मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये इससे क्या होता है, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और इसके वीडियोज़ पर अभी लगा हुआ नहीं है। सपोज़ के मैं दूसरा देख लेता हूँ,
जैसे आज के डेट में जो ये वीडियो जो का जो डाला गया है, अगर हम इसकी मार्केटिंग की बात कर लें तो यहाँ पे आज मैं इसी की मार्केटिंग करके दिखाऊंगा और आपको चीज़ बताऊंगा। इसी वीडियो अभी 18 तारीख को डाला गया है, ठीक है। इस चैनल के चैनल बिल्कुल न्यू है, बट कोई मैटर नहीं करता। अगर आप मार्केटिंग अच्छे से जानते हैं या कर सकते हैं या कर रहे हैं तो इतना इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। अभी इसका एंड स्क्रीन लगा हुआ नहीं है, मे बी इसका भी, तो मैं इसका एंड स्क्रीन लगा के दिखाता हूँ। आप वीडियो एडिट पे जाएंगे और वीडियो एडिट पे जाने के बाद इसमें क्या एंड स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे। एंड स्क्रीन और कार्ड, यहाँ पे वीडियो एडिट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये एंड स्क्रीन दिख रहा है, आप यहाँ पे एडिट कीजिएगा। डालते टाइम आपको उसमें वीडियो के नीचे के ऑप्शन आ जाता है, उस वक्त आप कर सकते हैं। जैसे आप एंड स्क्रीन कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के ले सकते हैं, आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के यूज़ करता हूँ कि दोनों तरफ दो वीडियो और बीच में सब्सक्राइब का ऑप्शन यानी चैनल का लिंक हो, ठीक है। जैसे ये आ गया, चैनल का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, या एक प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, इसमें इसमें कोई भी प्लेलिस्ट एक डाल देता हूँ। इसमें एक प्लेलिस्ट स्टार्ट ऑनलाइन के नाम से है, तो मैं इसी को प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक वीडियोस है, तो इसमें वीडियो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यूज़ वाले वीडियो हैं वो भी डाल सकते हैं, या कोई पार्टिकुलर वीडियो अगर हमें चाहना करना है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ठीक। उसके बाद अब सेव कर देता हूँ इसको। अब इसके मार्केटिंग की बात कर लें थोड़ी। मार्केटिंग, जैसे ये वीडियो मैंने आज ही डाला था, और आज ही अगर मैं इस वीडियो को मैं सर्च करूँगा तो मे बी ये रैंक में दिखेगा, ठीक है। रैंक में किस तरह से दिखेगा अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन वन डे। अगर मैं यही चीज़ यूट्यूब में जाकर सर्च करूँ देखूँ तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ईजिली दिखेगा कि ये रैंक है, ठीक। सर्च करके देख लेता हूँ क्यों आके है कि नहीं। देखें फर्स्ट नंबर पे आ रहा, जबकि आज ही डाला गया, 4 घंटे पहले वीडियो डाला गया है, इसके बावजूद भी यूट्यूब में टॉप पे आ रहा है। रीज़न क्या है? मार्केटिंग, ठीक। देखें देखें ये सब जो चैनल है, इन सब चैनलों के बहुत बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यूज़र हैं। इसके बावजूद भी मैं जिन्हें जो लास्ट वीडियो डाला था, इस पर भी लास्ट वीडियो के डालने के बावजूद भी इसमें, जबकि हमारे जो न्यू चैनल है इस चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है और ना ही क्या इसमें लोग सब्सक्राइबर हैं, फिर भी ये यूट्यूब में टॉप पे आ रहा है। सेम इसी तरह का मेथड अगर आप बात कर लें, क्या आप ये सर्च कीजिए हाउ टू मेक ग्रोसरी वेबसाइट, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड का यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि टॉप पे वीडियो आ रही है। ये जो वीडियो टॉप पे हैं, ये वीडियो का अभी का 2-3 दिन पहले का अपलोड की, दो वीक पहले अपलोड की गई थी और आज ये टॉप पे है। इसका लास्ट वीडियो जो आया था उसके बारे में वो एक दिन पहले आया, 1 या 2 दिन पहले आया अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह के जो मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग करके अच्छा खासा जो है इसमें वो ला सकते हैं, विजिटर ला सकते हैं, कस्टमर भी ला सकते हैं। यही वीडियो है जिस वीडियो के थ्रू मेरे पास पर डे जो 10-15 कस्टमर, नए नए कस्टमर आते हैं और वो बोलते हैं कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह ग्रोसरी की वेबसाइट चाहिए, मुझे बनानी है वेबसाइट। तो बहुत से लोग आए हैं, आज भी कुछ लोगों ने मैसेज किया है और कल भी किया था। तो इस तरह के लोग इसमें आते रहते हैं, ठीक है। अभी नए हैं इसमें, पर डे जो है नए नए लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या इसमें लोग जो हैं इसको लेने की, इस तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो खैर ये तो रही सब चीज़ की जो मैंने आपको दिखाया, जो मार्केटिंग करने के बाद किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें बता दी। लेकिन अब मार्केटिंग आप किस अंदाज़ से करें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दूसरे का क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो खैर वीडियो डालते टाइम मैंने कल आपको बताया था जिसमें मार्केटिंग की क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये कार्ड, कार्ड का ऑप्शन है, आप ये कार्ड भी लगा सकते हैं। कार्ड मतलब आप वीडियोस किसी चीज़ से रिलेटेड है वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ऊपर यहाँ पे जो बटन है, इस यहाँ पे जो बटन है, इस बटन पे कोई चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं ताकि जो इस पर क्लिक करें तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाए। तो इस तरह से ये कार्ड लगा सकते हैं, इसको आप ऐड टू कार्ड करेंगे यहाँ पर, जो भी आपको लगाना हो
कार्ड पे ऐड करना हो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं, तो ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आने वाली नहीं है, ठीक। उसके बाद आप इसमें कोई प्लेलिस्ट बनाइए, और जब ये सारी चीज़ें हो जाए तब आप क्या करें, क्या कीजिए, जैसे देख यहाँ पे देख सकते हैं जो कीवर्ड मैंने इसमें डाला है, तो कीवर्ड डालने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि रैपिड टैग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के अंदर जाके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे ये था कि मेन कीवर्ड जो था या हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस का था, मैंने इस पे का कीवर्ड रिसर्च की सबसे पहले, और रिसर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस फिर भी इस तीसरे नंबर पे वीडियो आ रही है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मैंने वीडियो डाला, तो इसी वजह से ये वीडियो जो है टॉप पे आ रही है, ठीक। तो इसके बारे में पूरा जो है मैं आपको कल वीडियो में दिखाया था या बताया था किस तरीके से आप उसमें कीवर्ड अगर फाइन करेंगे नहीं करेंगे, जैसे ये लास्ट टाइम मैंने दिखा था आपको keywordtool.io के नाम से है। यहाँ पे आप YouTube में सर्च होने वाले कीवर्ड के बारे में आप बिल्कुल इजीली जान सकते हैं। जैसे आपका जो मेन कीवर्ड है वो है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस है, आप इंडिया में चाहते हैं इंडिया में कर सकते हैं, इसको ग्लोबल करना चाहें ग्लोबल कर सकते हैं। अब उसको ग्लोबल कर देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपके कीवर्ड आपके जो कीवर्ड है वो कहीं भी सर्च करें तो वो आप यूट्यूब में रैंक आपको वहाँ पर दिख जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, तो आप उस रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे आ गया कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम इन बांग्लादेश, फ्रॉम क्या बिजनेस स्टार्ट विद नो मनी फ्रॉम होम, इस तरह कीवर्ड है 2020 है। अगर मैं ये कीवर्ड अभी मैं अगर यूज़ करना चाहूँ कि आप देखूँ कि मेरे वीडियो इस कीवर्ड पे आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि मे भी आ जाए, ये देखिए दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। तो मैंने एक ही कीवर्ड डाला है फिर भी इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। अच्छा ये कीवर्ड पे देखता हूँ कि फ्रॉम होम पे काम करता है कि नहीं करता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा यहाँ पे नो मनी वाले जो ऑप्शन है मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ ये कीवर्ड अभी आ रहे हैं कि इस कीवर्ड से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक ही वीडियो है बट मल्टी कीवर्ड पर रैंक है, इस कीवर्ड पे नहीं आ रहा है, ठीक है, इस कीवर्ड पे नहीं आ रहा है। तो खैर फोकस जिस कीवर्ड पे करेंगे आप उसी कीवर्ड पे, अब कोई भी बंदा इतना ज़्यादा सर्च नहीं करता, लंबा चौड़ा सर्च नहीं करता है, जितना नॉर्मल चार वर्ड पांच वर्ड वो अच्छा रहता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे विद अमेज़ोन की बात है कि किस तरह से अमेज़ोन से स्टार्ट करें, US में किस तरह से फ्री स्टार्ट किस तरीके से करें, एट होम का अगर हम डाल के देखें तो शायद कि मैं वीडियो वो नहीं आएगा इसमें एट होम पर, अच्छा फिर भी आ गया इसमें एट होम पे तीसरे नंबर पे आ गया। तो खैर ये कहने का मतलब कि जब इस तरह के कीवर्ड जब आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे टैग सेलेक्ट करके फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर उसका आप इसको टैग में भी डालेंगे, आप अपना जो टैग हैं यूट्यूब की जो टैग हैं टैग में डालेंगे, इसके अलावा जो इस यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर डाल रखा है टैग्स के नाम से मैंने डाल रखा है, और इसके बारे में पूरा डिटेल भी मैंने डाला है यूट्यूब इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं किस तरह से करेंगे, मैंने ये बताया कि इस वीडियो में क्या सीख सकते हैं इसका क्या चीज़ें हैं नहीं है, सारी चीज़ें मैंने इसमें डिफाइन कर दी है, ठीक। यही वजह है कि जब आप यूट्यूब में क्लियर कट आप डिफाइन जब करते हैं तो यूट्यूब को भी पता चल जाता है, यानी यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है और मैसेज जो भी दिया गया है वो अच्छा है तो उसको रैंक पे लाना चाहिए, तो यूट्यूब भी रैंक पे लेके आ जाता है, ठीक है। तो खैर ये तो सब बातें हो गई पूरे वीडियोस के बारे में। अब हम अगर इसके मार्केटिंग की थोड़े और आगे बात कर लें, तो मार्केटिंग में इसमें जो कोर्स में जो दिखाया गया था कि मैनेज मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट, देखिए मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट ये मार्केटिंग के लिए ठीक है, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं मार्केटिंग का काम तो पहले आप एक चैनल से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप मल्टीपल चैनल यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब मोनेटाइजेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब फ्री टूल कुछ टूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था यूट्यूब का ट्यूबबडी का ये बताया था, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ और मज़ीद टूल्स के बारे में जानना चाहेंगे इस कीवर्ड से रिलेटेड, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि उसका टैग से रिलेटेड, तो एक यूट्यूब रैंक के नाम से भी आता है, यूट्यूब रैंक या यूट्यूब किधर गया,
वो डेस्कटॉप का वर्ज़न है, आप उसमें डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे केस में नहीं दिख रहा, लग रहा वो अभी नहीं दिख रहा अभी। तो इस तरह के कीवर्ड आप नया टूल्स यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। खैर वो आपको मैं दूसरे के लेक्चर में बता दूंगा। ट्यूब बडी के यूट्यूब रैंक के नाम से है वो, खैर कोई इशू नहीं है। अब यूट्यूब इंक्रीज सब्सक्राइबर बाय 400%। सब्सक्राइबर किस तरीके से होगा, मैंने आपको कल बताया था सब्सक्राइबर के बारे में, जो का आप जो भी अपना लिंक शेयर करते हैं उस लिंक को इस अंदाज़ से शेयर कीजिए कि बंदा जो है पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद दूसरी जगह पे जाए, ठीक है। इसका एक जो वो है सैंपल है, वो मैं आपको सैंपल एक मरतबा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे डाला हुआ है यूट्यूब के सब्सक्राइब का लिंक है, तो इस तरह का लिंक अगर आप डालते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ये पहले से डला हुआ है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। बट अगर आप इसको इस अंदाज़ से डालेंगे, आपके जो यूट्यूब का जो लिंक है, चैनल का जो लिंक है, चैनल का जैसे आप लिंक कैसे पता करेंगे, चैनल का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपके वीडियोस इस पे चैनल पे क्लिक करें तो ये आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा तो इस चैनल यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं पहले, उसके बाद आप इसमें एक कोड लिख दीजिए सब सब के नाम को, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए अंडरस्कोर, उसके बाद लिखिए कन्फर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद वन, ये जो कोड हैं ये कोड अगर आप ऐड कर देते हैं और उसके बाद कोई भी बंदा अगर इसको कहीं पे भी डाल के रखते हैं, जब भी वो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा या फिर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो अंदर आएगा। अंदर आने से पहले उसको परमिशन मांगेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें या फिर कैंसिल करें। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है, ये कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, या फिर आप अपनी वेबसाइट हैं वहाँ पे शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सब्सक्राइब इसमें के बढ़ने का एक चांस होता है। इसके बाद अगर सब्सक्राइब जो सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं, अब वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, किस तरह से होता है, नहीं होता है। यहाँ पे आप जो आपकी मेन कीवर्ड है, आप उस मेन कीवर्ड को यहाँ पे सर्च कर लीजिए और सर्च करके देखिए कि उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो वीडियोस कहाँ कहाँ हैं, किन किन लोगों के वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके कमेंट्स कीजिए और अपना लिंक हो सके तो आप उसमें छोड़ दीजिए, अपनी वीडियोस का लिंक छोड़ दीजिए। जैसे ये है, अब ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लें, आपके रिलेटेड वीडियो हैं, और देखने के बाद यहाँ से आप कमेंट्स कर सकते हैं उसके वीडियोस पे, कमेंट कर सकते हैं और मेक श्योर कि आपका चैनल जो है, आप मेन जो चैनल है वही चैनल हो, तो इसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें अपना लिंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे मैं इसके बारे लिख रहा हूँ कि थैंक्स दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो, मोर वीडियो गाइस, मोर इन्फो वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिंक डाल दीजिए, कोई भी आप इसमें जैसा लगता है आपको, जो उसके वीडियो के बारे में चाहते हैं कि उसमें वो करके रखें, कमेंट्स करें तो कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने वीडियो के लिंक यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है।